हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और हमारी रिमाइंडर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए एक और नए वीडियो और एक और सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा आज का एजेंडा है फर्माज लिटिल थ्योरम को समझना। तो फर्माज लिटिल थ्योरम समझने से पहले, अगर आपने ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम समझी हुई है तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे कि फर्माज लिटिल थ्योरम ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम का एक सबसेट है, एक पर्टिकुलर केस है। और दूसरा, ऑलर रिमाइंडर थ्योरम से पहले भी अगर आपने ऑलर्स टॉशन नंबर किया हुआ है तो आपके लिए ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम समझना भी काफ़ी आसान रहता है। ऑफकोर्स ये सब उसके बाद जब आपने बेसिक डिविजन्स एंड रिमाइंडर्स एंड फाइंडिंग रिमाइंडर्स यूजिंग साइकिल्स वगैरह अच्छे से समझ लिया है। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं, टॉशन नंबर से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या है फर्माज लिटिल थ्योरम। सो हमने देखा था कि अगर मैं आपको एक नंबर दूँ और मैं बोलूँ उसका टॉशन नंबर बताइए, तो टोशन नंबर तो स्मॉल टर्म है, बट उसका लैंग्वेज में क्या मतलब था? 1 से लेकर 15 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 15 से छोटे हैं और 15 के साथ को प्राइम है, उसको मैं काफ़ी जल्दी निकाल सकता था। 15 × 1 − 1/3 × 1 − 1/5, ये कहाँ से आया? 15 होता है 5 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। टोशन का फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये भी देखा था कि फार्मूला कहाँ से आया, बट फिलहाल के लिए जस्ट यूज़ करना भी काफ़ी है। सो 15 × 2/3 × 4/5, ये 15 15 कैंसिल आएगा 8। तो ये तो हुआ टोशन नंबर था कि अगर हम आगे बढ़ें और ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम में मैं टोशन नंबर की बात करूं तो आपको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और टोशन नंबर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n × 1 − 1/a × 1 − 1/b, और c चाहिए d चाहिए तो आगे बढ़ा दीजिए, वेयर a एंड b आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो ये हमने देखा है। तो फिर हमने देखा था, क्योंकि अभी अभी हमने 15 का टोशन नंबर निकाला है, और मान लीजिए अगर क्वेश्चन होता 7 raised to 8, तो ऐसे क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली रिमाइंडर 1 बोल सकता था यूजिंग ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम, जो कहती है कि अगर ये दो नंबर द डिविडेंड और डिवाइजर वो को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और जो पावर है डिविडेंड की वो टोशन नंबर होना चाहिए डिवाइजर का। तो आपने देखा है, डिवाइजर का भी चेक किया था, वहाँ पे 8 आया था और यहाँ पे भी आपको 8 दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि डिविडेंड का जो पावर है वो डिवाइजर का टोशन नंबर है, और ऐसे केस में आपका रिमाइंडर 1 आता है। तो इसके साथ भी हमने थोड़ी मेहनत करी थी, एक दो एग्जाम्पल देखे थे, थोड़ा एक्सटेंड करके भी देखा था, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फर्माज लिटिल थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, दोनों नंबर डिविडेंड और डिवाइजर जो है वो कोप्राइम होने चाहिए, जो डिविडेंड का ये पावर है वो डिवाइजर का टोशन नंबर होना चाहिए, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अभी इसी कहानी के साथ, अगर मैं डिवाइजर में एक प्राइम नंबर रख दूं और प्राइम नंबर मान लीजिए 7, राइट, और ऊपर मैं सवाल आपको दे दूं 9, राइट, और एक बार 7 का टोशन नंबर के बारे में सोचते हैं तो मुझे क्या दिखेगा? 7 × 1 − 1/7 = 6। आप ऐसा एक दो प्राइम नंबर्स के साथ और करिए, 11 का टोशन नंबर निकालेंगे तो आपको 10 मिलेगा, 13 का टोशन नंबर निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर होता है, उसको हटा देना है और बाकी से आपके सारे नंबर्स आपके उसके साथ को प्राइम होंगे। तो आप देखेंगे जब भी प्राइम नंबर है उसका टोशन नंबर सिंपली प्राइम नंबर माइनस 1 होता है, तो बहुत जल्दी आ जाता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पावर 6 होती तो ये कहानी सेम लगती, मैं ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम लगा देता, 9 और 7 को प्राइम है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, और जो डिविडेंड की पावर है वो डिवाइजर का टोशन नंबर है, तो मैं ऐसे कह सकता था रिमाइंडर 1 है। ऐसे केस में अगर अब मैं इसी कहानी को अगर आपको ऐसे बोलूं कि अगर मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूं और पावर जो है वो प्राइम नंबर माइनस 1 हो, मतलब मैं प्राइम से डिवाइड कर रहा हूं और कोई तो ऊपर डिविडेंड है और उसकी पावर पी माइनस 1 है, तो हो सकता है आपने जहां पे पढ़ा हो ये फर्माज लिटिल थ्योरम कुछ ऐसा दिया हो कि a raised to p − 1 / p आपको एक रिमाइंडर देता है, लेकिन आपको उसको ऑलर्स के साथ समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने ऑलर्स में देखा है कि जो भी डिविडेंड है
क्योंकि हमने ऑलर्स में देखा है जो भी डिवाइजर है उसका टोशन नंबर अगर डिविडेंड का पावर हो तो रिमाइंडर वन आता है। यहाँ पे हमारा डिवाइजर जो है वो प्राइम है, मतलब उसका टोशन नंबर ये पी माइनस वन ही होगा। तो इसी कहानी को मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि अगर एक प्राइम नंबर से डिवाइड करने की बात हो रही हो और न्यूमरेटर में जो पावर दी हो वो पी माइनस वन हो, दैट मीन्स वो वही बन जाएगा कि टोशन नंबर है ये। और क्या है कि ए और पी के बीच में को प्राइम होना चाहिए था, वो थी मेरी कंडीशन। अगर आप कह रहे हो कि ये प्राइम है तो कोई भी नंबर उसके साथ को प्राइम ही होगा, राइट। और इसके साथ जो और क्या होना चाहिए, मतलब ए जो है वो प्राइम का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ये मेरा फर्मास डिटल थ्योरम बन जाएगा। तो ये थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए कि ये ऑलर्स से फर्मास पे कैसे पहुंचे, अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं फर्मास डिटल थ्योरम की तरफ, और पहले थोड़ा सिंबल में देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई तो डिविडेंड है, अगर उसकी पावर पी माइनस वन हो और आप उसे पी से डिवाइड कर रहे हो और गिवन हो कि p प्राइम है और a p से डिवाइड ना हो रहा हो, कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो आप सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर वन होगा। आप अपने लिए खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक प्राइम नंबर सोचिए 13, राइट, और कोई भी डिविडेंड लीजिए मान लीजिए 11, और अगर 11 की पावर 12 है तो आपको पता है कि रिमाइंडर वन आना चाहिए। आप अपना साइकिल मेथड निकाल के कोशिश कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर वन आएगा कि नहीं आएगा। और वंस अगेन यहाँ क्या हो रहा है, ये 13 मेरा प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर का अगर आप टोशन निकालेंगे तो आपको स्ट्रेट अवे पी माइनस वन मिलेगा, मतलब 13 की जगह 12 मिलेगा। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों को प्राइम है, और ये आपका ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको रिमाइंडर वन आना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फर्मा का जो थ्योरम है वो कुछ नहीं है, ऑलर्स जो आपने पहले अगर सीखा है तो सेम ही है, और अगर नहीं सीखा है तो आप इसको सीधे रटने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर ये सिनारियो हो कि मैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और ऊपर में मुझे दिख रहा है पी माइनस वन है, तो मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली वन आएगा बहुत जल्दी से। इसी एग्जाम्पल के साथ रहते हुए मैं थोड़े नंबर को हल्का सा चेंज करता हूँ बस, और बोलता हूँ कि मेरा नंबर है 11 raised to 13 डिवाइडेड बाई 13। तो इस बार मेरे को दिख रहा है कि मेरी पावर p माइनस वन नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक रिमाइंडर्स के साथ काफ़ी क्लैरिटी है। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, मैं सोचूंगा 11 raised to 12 डिवाइडेड बाई 13 और 11 raised to 1 डिवाइडेड बाई 13, राइट। और अब मुझे पता है कि इस केस में मैं फटाफट फर्मास डिटल थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे रिमाइंडर आएगा 1, राइट। तो मुझे सिर्फ इसका फिगर आउट करना है, और क्वेश्चन है 11 डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 11। इन दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है तो रिमाइंडर्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा रिमाइंडर ओवरऑल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 11। तो अभी उसी थ्योरी को मैं फिर से अगर देखूँ, नोटिस करूँ इसके साथ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर a रेज टू p डिवाइडेड बाय p हो, जहाँ पे p मैं कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर है, वहाँ पे मेरा रिमाइंडर कहानी में a आएगा। उसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने a की बजाय 11 और p की बजाय 13 लिया हुआ है। ऐसे भी सोच सकते हैं, आप सोचिए a raised to p minus 1 divided by p आपको 1 रिमाइंडर देगा, एक a और बचा है बिकॉज a raised to p बोल रहे हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको a raised to p मिल जाएगा, और इन दोनों को p से डिवाइड करना, आपको पता है इसका रिमाइंडर 1 है और इसका रिमाइंडर a है, तो आपका ओवरऑल रिमाइंडर इस कहानी में a आएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों ने फर्मास डिटल थ्योरम ऐसे सीखी हो कि अगर एक नंबर दिया हुआ है उसकी पावर है और सेम प्राइम नीचे है तो रिमाइंडर जो है वो सेम एज अ डिविडेंड होगा। तो हमें ये तीनों फॉर्म में समझ में आना चाहिए थ्योरी क्या है। तो थ्योरी क्या है, ऑलर रिमाइंडर थ्योरम से आ रही है, उसका एक सबसेट है। हमने एक सीखा कि p माइनस वन डिवाइडेड बाई p होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, वो तो एकदम ऑलर के पास ही है, और थोड़ा सा उसके साथ खेला तो हमें ये फॉर्म भी दिख गया, बिकॉज मैंने देखा अलग अलग नोट्स में अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है, तो दोनों के साथ कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। अगर अब ये कंफर्टेबल हो गया तो आपने जो स्टैंडर्ड रिमाइंडर्स एंड साइकिल्स में मेथड सीखे हैं उनके साथ मिक्स करके आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 raised to 47 डिवाइडेड बाई 47, बहुत जल्दी आना चाहिए, मेरा रिमाइंडर 21 ही होने वाला है,
और ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे पता है 21 रेज टू 46 डिवाइडेड बाय 47 मुझे रिमाइंडर 1 देने वाला है। ऊपर आप बोल रहे हो एक और 21 है, इसका रिमाइंडर 21 ही होगा, तो आपका ओवरऑल रिमाइंडर 21 हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट, आपके अगर दिमाग में फर्मा की पिक्चर क्लियर हो गई है तो आपको दिख रहा है ये ए है, ये पी है, ये पी है और एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता है सीधे सीधे आपका रिमाइंडर ए आने वाला है। अगर यहाँ पे 21 रेज टू 46 होता तो मुझे आपका पता है रिमाइंडर 1 आने वाला था, सेम आइडिया यूज करके। तो आप देखेंगे कि अगर आपको समझ में आ गया है और नंबर में वो पैटर्न दिख गया, किस्मत से डिनोमिनेटर में प्राइम है, तो या तो डायरेक्ट हो जाएगा या एक बड़ा चंग आपको रिमाइंडर 1 कहाँ मिल रहा है वो मिल जाएगा, और फिर आप बाकी देख सकते हैं। जो आपने स्टैंडर्ड मेथड्स में भी यही किया था, आप ग्रुप नंबर देखते थे, साइकिल ढूंढने की कोशिश करते थे जहाँ पे 1 या -1 मिल जाए, बिकॉज उसके आगे आपको पता है काम काफी आसान सा हो जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ लगने वाली है। एक और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए 1001 रेज टू 56 है और मैं बोलता हूँ उसको डिवाइडेड बाय 29 किया, तो पहला चेक 29 मेरा एक प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर तो पता ही होने चाहिए, तो और दूसरा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वो भी मुझे देखना चाहिए। तो 1001 क्या होता है, थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 × 11 × 13, तो मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। और लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छा प्राइम की इमीडिएटली पास नहीं है, लेकिन फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ इसका टोशन नंबर क्या है, या फर्मास लिटिल थ्योरम के हिसाब से अगर मुझे देखना होता तो मुझे पता है कि अगर ये 28 होता तो मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाता बड़ी आसानी से, राइट। तो यहाँ 28 तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि इसको 28 और 1001 और 28 में बांट दूँ, तो इस बड़े चंक का रिमाइंडर 1 हो गया, इस बड़े चंक का भी रिमाइंडर 1 हो गया, ओवरऑल आपका रिमाइंडर भी 1 हो जाता। मान लीजिए अभी पावर वो 56 की बजाय मैं कहता 57 है, तो क्या होता, आपको समझ में आना चाहिए था ये 28 28 के दो ग्रुप तो आपने ऑलरेडी सोच लिए हैं, आपके पास एक बेचारा अकेला 1001 बचता और आपको सिर्फ इसका रिमाइंडर निकालना होता, जो काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो सिर्फ 1001 को 29 से डिवाइड करना है और आपका काम हो जाता। और अगर पावर आगे बढ़ती तो फिर मुझे एक और एक्सटेंशन लगाना पड़ता, मैं और सोचता उसके बारे में क्या हो रहा है, लेकिन इसी लॉजिक को आगे बढ़ाता जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो होपफुली इस एग्जांपल से मुझे ये भी समझ में आना चाहिए पिछले रिमाइंडर साइकिल और ग्रुपिंग के साथ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम एक रिमाइंडर देखते हैं वो पावर आ जाती है और देखते हैं कि अच्छा ऐसे ग्रुप बनाने के बाद बचेगा कितना, अगर पावर 57 है तो एक बच रहा था उसका रिमाइंडर मैं निकाल लूंगा। सो मान लीजिए 11 रेज टू 57 डिवाइडेड बाय 17 कर रहा हूँ मैं, तो ये छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि हमें सारे आपस में कनेक्शन दिख जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों को प्राइम है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे ये भी प्राइम है बट उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, कोई और नंबर भी चल जाता। दूसरा मुझे समझ में आना चाहिए था 11 रेज टू 16 डिवाइडेड बाय 17 जो है मुझे वो 1 का रिमाइंडर देगा, तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से वो साइकिल मिल जाती है कि कहाँ पे रिमाइंडर 1 आने वाला है, राइट, जो आप अपने रिमाइंडर्स एंड साइकिल वाले चैप्टर में काफ़ी मेहनत करके लाते थे। तो अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है तो आपको काम काफ़ी जल्दी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली मेरा काम नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे पावर 57 है, तो मैं क्या सोचूंगा कि 57 को 16 से डिवाइड करना है। ये स्टेप भी आपने पहले देखा है कि ओवरऑल पावर को ग्रुप नंबर या साइकिल नंबर से आप डिवाइड करते थे, क्वेश्चन में आपको खास इंटरेस्ट नहीं होता था, आप रिमाइंडर देखना चाहते थे। यहाँ पे आपको आपको थोड़ा स्लो में दिख जाएगा 11 रेज टू 16, एक और 11 रेज टू 16, 32 हो गए, ये 16 है, एक और 11 रेज टू 16, 48 हो गए, यही प्रोसेस डिविजन में होती है ना कि एक एक करके हटाना ग्रुप को, राइट। सो 48 हो गए और बचे कितने, आपको 57 चाहिए थे तो 11 रेज टू आपके पास 9 बचे, राइट। तो अभी आपको पता है इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 1 है, तो आपका क्वेश्चन आपके लिए काफी छोटा सा हो गया। अभी 11 रेज टू 9 डिवाइडेड बाय 17 आपका रिमाइंडर क्या होने वाला है, राइट। तो ये काम निकालना आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। और अगर निकालना ही है और एक छोटा सा मेथड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अगर मुझे 11 रेज टू 9 बाय 17 निकालना है, आप स्टेप बाय स्टेप तो निकाल ही सकते हैं 11 बाय 17, एक 11 आपको कितना रिमाइंडर देगा -6 का,
एक और 11 कितना का देगा, -6 का, ये 36 बन जाएगा, 2 का रिमाइंडर देगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से छलांग मांगना चाहता हूँ, 11 रेज टू 16 मुझे 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 रेज टू 8 मुझे रिमाइंडर ऑफ -1 देगा। ये भी आपने साइकिल देखी होगी पहले, कई बार आपको -1 का मिल जाता है, आप उसको डबल कर देते हैं तो आपको 1 का रिमाइंडर मिल जाता है, राइट। तो सेम लॉजिक में उल्टा जा रहा हूँ कि 11 रेज टू 8 पे मुझे -1 मिलेगा। आप कह रहे हो एक 11 एक्स्ट्रा है, राइट, और अब इस 11 का रिमाइंडर है 11, इस पूरे 11 रेज टू 8 का रिमाइंडर है -1, तो आपका ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा -11, इसका मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 6। तो इस पूरी कहानी का जवाब आएगा रिमाइंडर ऑफ 6। बट यहाँ पे तो आके आपका अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया था, आपका फर्मास थ्योरम वाला काम तो पहले ही खत्म हो गया था, तो एक और एग्जाम्पल हुआ ये। तो होपफुली पिछले एग्जाम्पल के साथ अभी आप ये फर्मास डिटल थ्योरम को बाकी सिनेरियोज में कैसे एक्सटेंड करेंगे वो भी समझ में आना चाहिए था। जैसे आप पहले कर रहे थे साइकिल वाली स्टोरीज में जैसे कर रहे थे, वैसे ही लॉजिक लगने वाला है। तो दिखना चाहिए कि फर्मास डिटल थ्योरम काफ़ी ईजी है, स्पेशली अगर आपने ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम किया हुआ है, और ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी आसान है अगर आपने बेसिक डिविजन्स एंड रिमाइंडर्स का साइकिल समझने की मेहनत पहले ही करी हुई है। तो आप देखेंगे ऑलर्स थ्योरम आपका काम काफ़ी आसान कर देता है अगर आप 10 मिनट लगा के कंफर्टेबल होकर उसे समझ लें। फिर आपको देखना चाहिए था कि अच्छा ये फर्मास थ्योरम तो ऑलर्स थ्योरम का ही एक सबसेट है, और हमने उसके मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज देख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि अगर मैं P-1 करूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा, मैंने ये देखा कि अगर P हो तो रिमाइंडर A आएगा, राइट। और भी मैं थोड़ा इसके साथ खेल सकता हूँ, थोड़ा अगर मैं एक सेकेंड के लिए सोचूँ कि अच्छा मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए, तो मुझे दिख रहा है मुझे -A करना पड़ेगा, राइट। तो इस कहानी में मुझे एक -A लेना ले आना चाहिए। सो अगर ऐसी कहानी हो a रेज टू p माइनस ए डिवाइडेड बाई p, तो मेरा रिमाइंडर इस कहानी में 0 आने वाला है। क्यों? बिकॉज इसका रिमाइंडर आएगा a, इसका रिमाइंडर आएगा -A, ओवरऑल रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। इसके साथ थोड़ा और खेलेंगे, बिकॉज हो सक मुझे ये नहीं पता कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें किस डेफिनेशन में लिखा है, ऐसे समझाया है या ऐसे समझाया है, या हो सकता है ऐसे बोला हो कि a रेज टू मुझे दिख रहा था p माइनस ए करना है, इसमें से a कॉमन निकाल लेता हूँ तो बैक टू a रेज टू p माइनस 1 दिखेगा मुझे, ऐसा वाला फॉर्मेट, और माइनस 1 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये p से डिवाइड हो जाता है, राइट, पूरा रिमाइंडर मेरा 0 होने वाला है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये p का एक इंटीजर मल्टीपल होने वाला है, राइट। तो ये इंटरप्रिटेशन या ऐसे लिखा हो कि या ऐसे लिखा हो, ये तीनों या चारों मेथड्स आपको आपस में समझ में आने चाहिए कि एक ही कहानी है। और आपका क्लू क्या होने वाला है कि आपको फर्मास डिटल थ्योरम चेक करनी चाहिए कि लगा सकते हैं कि नहीं। अगर आपका डिवाइजर प्राइम है तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में सोचना ही चाहिए, बिकॉज आप अगर प्राइम है और आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है, राइट। अगेन टर्म्स उनके डिफिकल्ट लगता है, फर्मास डिटल थ्योरम्स उनके लगता है कि शायद डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी कुछ कॉलेज का, बहुत डिफिकल्ट सा होगा, लेकिन देखिए काफ़ी आसान सा ही कॉन्सेप्ट है अगर मैं ऑलर्स थ्योरम को समझ लूँ। ऑलर्स थ्योरम क्यों काम करता है हमने अभी तक नहीं देखा है, हमारे सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है। बट यहाँ पे हमें एक छोटी चीज़ और देखी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को डिराइव करना, और होपफुली ये देखना कि दोनों एक ही हैं, राइट। सो ये हुआ हमारा फर्मास डिटल रिमाइंडर थ्योरम। तो इन रिमाइंडर थ्योरम्स की बात करते टाइम एक विल्सन थ्योरम नाम की रिमाइंडर थ्योरम है, उस पर भी ध्यान ले लेते हैं, और ये फैक्टोरियल्स और प्राइम नंबर से रिलेटेड है। इसका प्रूफ और जो स्कोप है वो हमारे सिलेबस के तो बाहर है, तो प्रूफ में मेहनत करने जाएंगे तो थोड़ी और लंबी मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं और डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन और जो सरफेस लेवल पे यूज़ है वो बहुत आसान है, और इसको 2 मिनट में सीख सकते हैं तो ज़रूर सीख लें, राइट। और ये कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, फिर से प्राइम नंबर्स की कहानी है। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ एक 17 प्राइम नंबर है, और मैं अगर आपको बताऊँ कि 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड किया गया, आप रिमाइंडर के बारे में क्या कह सकते हैं? आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रिमाइंडर 16 होगा। तो ये तो मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, थ्योरी क्या होगी कि अगर मैं एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं प्राइम नंबर -1 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो प्राइम -1 होने वाला है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम्स की बात करते टाइम एक छोटी सी थ्योरम और है, उसका नाम है विल्सन थ्योरम।
वैसे तो इसका स्कोप हमारे सिलेबस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत एप्लीकेशन लेवल पे काफ़ी आसान सी है, तो इसको भी देख लेते हैं। और वो बहुत सिंपल सा आइडिया है कि अगर मैं आपको वंस अगेन बोलूँ कि एक मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ और मेरे न्यूमरेटर में उस प्राइम नंबर से एक पीछे जा रहा हूँ मैं, मतलब मैं एक प्राइम से डिवाइड कर रहा हूँ और न्यूमरेटर में मेरा प्राइम माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो ऐसे केस में मैं सीधे सीधे रिमाइंडर मेरा 17-1 होने वाला है, या रिमाइंडर मेरा वो प्राइम नंबर -1 होने वाला है। तो विल्सन थ्योरम कहाँ अप्लाई होने वाली है? अगर आपको न्यूमरेटर में फैक्टोरियल दिखे और डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर दिख जाए तो वहाँ तो डायरेक्टली बहुत जल्दी से अप्लाई होने वाली है। अपने लिए एक एग्जाम्पल और बना लीजिए, कोई प्राइम नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 19, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 18 फैक्टोरियल। अगर ऐसा होता तो मेरा रिमाइंडर 18, और वो कहाँ से आया? 19-1 से आया, मेरा रिमाइंडर 18 हो जाता। इसका अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करूँगा और बहुत कॉमन सा प्रूफ है, और ये वाला पार्ट जो है डिडक्शन वाला, कि हमने ये पॉइंट सीखा इससे और आगे क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वो यूज़ करके जो हमने पहले सीखा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहता हूँ 19 तो मेरा डिवाइज़र है और मेरे डिविडेंड में इस बार 17 फैक्टोरियल है, तो मेरी विल्सन थ्योरम तो काम कब करती है? P-1 पे, लेकिन यहाँ पे P-2 है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो मैं एक मिनट के लिए वापस जाता हूँ अपने 18 फैक्टोरियल वाले सवाल पे और उसको थोड़ा रीराइट करता हूँ, सोचता हूँ इजेंट इट 18 × 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19। तो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये 17 × 19 मेरा इस कहानी में कहीं तो प्रेजेंस है। अभी मुझे पता है कि इसका ओवरऑल जो रिमाइंडर है मेरा 18 आने वाला था, दोनों का प्रोडक्ट का मेरा रिमाइंडर 18 आने वाला था। मैंने क्या सीखा है कि इंडिविजुअल रिमाइंडर इसका निकालूंगा और इसका निकालूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं 18 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है यहां मुझे छोटा रिमाइंडर 18 मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ मेरा ओवरऑल रिमाइंडर भी 18 है, मतलब ये रिमाइंडर मेरा डेफिनेटली 1 होने वाला है। आप उल्टा सोचिए, अगर मैं ऐसे बताता आपको कि 18 को मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूँ कितना रिमाइंडर है, आप बोलते 18 है, और मैं आपको अगर बता देता कि 17 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आता है, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई कर देते। ये आपने Day 1 Video 1 में सीखा था रिमाइंडर के बारे में, राइट? तो ये थोड़ा उल्टा लॉजिक लगा कि मुझे दिख रहा है कि अगर ओवरऑल रिमाइंडर 18 है, इसका रिमाइंडर 18 है, तो इसका रिमाइंडर मस्ट बी 1, मतलब 17 × 19 का रिमाइंडर अगर मैं निकालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और प्रूफ वो रहा। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ कहानी को, विल्सन थ्योरम को, कि अगर मैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और न्यूमेटर में मुझे P-2 फैक्टोरियल दिख जाए तो मुझे पता है मेरा रिमाइंडर जो है स्ट्रेट अवे 1 आने वाला है। तो वंस अगेन 1 रिमाइंडर की तरफ पहुंच गए, और कहानी में यहाँ पे भी वही है कि प्राइम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, और इसमें स्पेशल क्या है, विल्सन थ्योरम में फैक्टोरियल होना ज़रूरी है न्यूमरेटर में, सारी कहानी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आपका विल्सन थ्योरम हुआ। वंस अगेन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हो रहा होगा तो आपके स्टैंडर्ड रिमाइंडर वाले आइडियाज आ जाएंगे, बट वैसे इसका हमारे जो पर्पस है ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन नहीं है। जो स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए अलग से डिटेल में बनाया जाएगा कि ये कहाँ से आया, क्या थ्योरी है समडे, बट अभी के लिए सिर्फ इसको रिमाइंडर्स के स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट में समझ लेंगे कि अगर मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूँ और P-1 फैक्टोरियल हो तो P-1 रिमाइंडर होने वाला है, और अगर मैं P-2 की बात करूं तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर 1 होने वाला है, उसका मैंने प्रूफ भी देख लिया। तो ये इंट्रोडक्शन टू द विल्सन थ्योरम हो गया, कि कल को आप कहीं सुने और देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बात हो रही है, जबकि हमने इसका प्रूफ नहीं देखा है अभी तक। तो इस सेशन के लिए इतना ही। हमने देखा फर्मा थ्योरम तो काफ़ी आसान थी, ऑलर्स रिमाइंडर थ्योरम का एक्सटेंशन, और हमने लगे हाथ विल्सन थ्योरम को भी देख लिया। वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ, ये थोड़ी फैंसी सी थ्योरम्स हैं, स्कूल सिलेबस में भी लेट आती हैं और ज़्यादातर लोगों ने शायद ना सुना हो, तो अगर ये नहीं भी आपको समझ में आ रहा है, आप अपने बेसिक डिवीजन रिमाइंडर साइकिल पे ध्यान दीजिए और आपका 70-80-90% काम हो जाएगा। जब वहाँ पे सॉलिड अच्छे से हो जाए, एक बार आके रीविजिट करिए, आपको ये काफ़ी आसान लगेगा।
तो ये मेरी टिप रहेगी कि ये टॉपिक करना है कि नहीं करना है, पहले कोर कर लीजिए फिर इसकी तरफ आइए। तो इस सेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन रिमाइंडर की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की तरफ जाएंगे। बट उससे पहले रिकमेंडेड है आप अपना HCF और LCM अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज वहाँ पे एक दो आइडियाज़ कनेक्ट होने वाले हैं।